मोदी ने सोमवार को अपने आवास पर मोदी का स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं के बीच चाय पर अनौपचारिक मुलाकात हुई। इस दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन काफी गर्मजोशी से मिले। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, पर इस पर अब जेलेंस्की का बयान सामने आया है। नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस के दौरे पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा और उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की को पसंद नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को मॉस्को यात्रा की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक और शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा, उसी दिन मोदी ने पुतिन से मुलाकात की जब एक रूसी मिसाइल कीव में बच्चों के अस्पताल को निशाना बना रही थी। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आवास पर मुलाकात की। सोमवार सुबह ही रूसी मिसाइल ने यूक्रेनी शहर पर हमला किया, जिसमें कम से कम 37 लोग मारे गए और 170 घायल हो गए। इसका जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और पुतिन को खूनी बताया। जेलेंस्की ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए रूस के हमले और पुतिन मोदी की मुलाकात पर कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते हुए देखकर बड़ी निराशा है। ये रूस के आक्रमण के खिलाफ शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को पुतिन से मिलने पर उन पर निशाना साधा है। हालांकि भारत ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का कभी समर्थन नहीं किया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को पुतिन से मिलने पर उन पर निशाना साध लिया। हालांकि भारत ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का कभी समर्थन नहीं किया। रूस के मौजूदा आर्थिक दौरे पर पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर उनके साथ एक अनौपचारिक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, कोई समाधान नहीं खोजा जा सकता। भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता समेत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने के पक्ष में ही रहा है। किसी भी मसले का हल युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकाला जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना है। ये यात्रा 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मोदी की पहली यात्रा है। भारत ने रूस के साथ दशकों पुराना संबंधों के बावजूद युद्ध में किसी पक्ष का हिस्सा लेने से परहेज किया। हालांकि भारत ने रूस को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में से एक कहा है और भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा बेहतर करने पर जोर दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। еще раз добрый день, еще раз вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। официальные разговоры у нас состоятся завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально.